नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कोरोना महामारी के कारण से जब से लॉकडाउन तथा कोरोना संक्रमण की स्थिति चालू हुई है, उसके बाद से विभिन्न कारणों से इंदौर के साथ में रेलवे के द्वारा सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। पहले तो इंदौर के रेलवे प्रोजेक्टों को फंड की कमी बताकर बंद कर दिया गया तथा उसके बाद इंदौर की रेल सेवाओं में से इंदौर जयपुर लिंक एक्सप्रेस को भी परिचालनिक कारणों का हवाला देकर बंद करने का आदेश तथा विभिन्न त्योहारों के समय भी देश के दूसरे हिस्सों से रेल चलाने से रेलवे मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंदौर से एक भी ट्रेनों का संचालन आम जन को बिल्कुल भी राहत ना पहुंचाना, ये सब एक विरोधाभास उत्पन्न करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंदौर के साथ इस तरह का व्यवहार रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। इंदौर ही नहीं, पूरे मालवा क्षेत्र के साथ ही यह व्यवहार कोई नई बात नहीं रह गई है। पहले भी विभिन्न रेल सेवाओं को रतलाम, उज्जैन, भोपाल के छोटे रास्ते से ना निकालकर पश्चिम रेलवे के द्वारा लंबे से निकालता रहा है। इसी कड़ी में एक और कदम, कल रेलवे बोर्ड का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें कि इंदौर से चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन इंदौर पुणे एक्सप्रेस, जिसको कि पुणे की जगह दादर में टर्मिनेट करने का उल्लेख था, यह पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रेल सुविधा तथा सामाजिक व राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई तथा इसका विरोध किया जाने लगा। यह बात इंदौर की पूर्व सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ताई को पता चली। उन्होंने तत्काल ही ईमेल के द्वारा उच्चाधिकारियों को अपना विरोध दर्ज कराया तथा इसका परिणाम यह हुआ कि रात में ही रेलवे के रतलाम मंडल को इस बारे में सफाई देना पड़ी कि गलती से यह सब हुआ है। तीन जगह एक साथ प्रिंटिंग मिस्टेक होना असमंजस पैदा करता। इस पर अभी आधिकारिक सफाई आना बाकी है, लेकिन इन सब मामलों से यह तो स्पष्ट है कि रेलवे के द्वारा इंदौर के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बारे में पत्र लिखकर समय समय पर अवगत कराया गया है, उसके बाद भी इंदौर से आज की तारीख तक कोई भी स्पेशल ट्रेन देश के अन्य भाग हेतु चालू नहीं हुई है। आने वाले समय में रेलवे विभाग इंदौर के लिए किस तरह की सुविधाएं व ट्रेनें उपलब्ध कराता है, यह देखने वाली बात होगी। यह छोटी सी जानकारी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।